हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। जनाब, एक मरतबा फिर हम आपको एक पूरे हफ्ते के बाद आपके यूशो पूरे दिल से मैं हमारे पूरे दिल से वेलकम कहते हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और हमेशा आप ठीक ठाक रहें, क्योंकि लास्ट ही हमने अपना हेल्थ शो किया था, हेल्थ डे स्पेशल मनाया था, और उसमें हमने बताया था कि हम सबका ठीक रहना कितना ज़रूरी है। सो जनाब, थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। आप सबके हमें बहुत से मैसेजेस हमें रिसीव हुए, आप लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया और हमें बताया कि बहुत अच्छी थीम हम लेकर आए, जो कि मैं समझता हूँ यूथ बहुत निगलेक्ट कर देती है, लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि हम इस टॉपिक को शेयर करें। सो मैं समझता हूँ दिल की बात करें तो जो हमारा दिल होता है वो हमारी शख्सियत को प्रेजेंट करता है, मतलब हमारी जो आदत होती है या हमारी जो शख्सियत होती है वो हमारे दिल को रिप्रेजेंट करती है। वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारी टीम की तरफ। सो हेलो मैरियन, क्या हाल है आपका। हाय ऑगस्टिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, पूरे दिल से ठीक हूँ। जनाब, आपको एक बात बताते हैं, आज हमारे साथ एक न्यू टीम मेंबर हमारे साथ बैठा है, हमारी न्यू को होस्ट, जिनका नाम है ब्रिटनी एशले। बहुत ही अच्छा और यूनिक नाम है, अपने नाम की तरह बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी है। सो चलते हैं ब्रिटनी की तरफ। हाय ब्रिटनी, क्या हाल है आपका। आई एम गुड, एंड हाउ आर यू ऑगस्टिन। आई एम एब्सोल्युटली गुड। कैसा लग रहा है आपको पूरे दिल से की टीम का में ऐड होकर। I am really, really, really happy because मुझे like first time है, first experience है, but seriously saying I just like the environment over here. It's really good here. Thank you. बहुत enjoy करेंगे हम, क्योंकि ये show ही इसलिए है कि हम आपसे कुछ सीखें, आपको कुछ सिखाएं, आपकी कुछ सुने और अपनी कुछ बातें आपको सुनाएं, और वो भी अच्छी और पूरे दिल से। एरिक, क्या हाल है आपका। मैं ठीक हूँ ऑगस्टिन, आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, बहुत ही अच्छा हमारा लास्ट शो गुजरा, और आपको भी पता है हमारे सोशल मीडिया के पेज पर लोगों ने बहुत सारे फीडबैक हमें दिए। मैंने भी बहुत सारे मैसेजेस रिसीव किए, लोगों को बहुत पसंद आया कि हमने हेल्थ को प्रमोट किया, क्योंकि ये जरूरी है आज के जमाना में हेल्थ को नजरअंदाज करना तो नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि जान है तो जहान है, और हमने बहुत फोकस रखा कि हम सबका तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। और एरिक का शक भी लास्ट एपिसोड में दूर हो गया कि एरिक को बहुत सारे लोग कहते हैं कि एरिक कमजोर है, लेकिन हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने बताया कि एरिक बहुत अच्छा डिक्लेयर कर दिया। सो जनाब, बिल्कुल बहुत जरूरी है हम सबको एक दूसरे को यूं ही सपोर्ट करना और एक दूसरे का ख्याल करना। बात हम कर रहे थे दिल की, आपकी जो पर्सनल है वो आपके दिल को रिप्रेजेंट करती है। सो जनाब, जब भी आप किसी को सपोर्ट करते हैं, आप किसी से अच्छी तरह मिलते हैं, आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं और आप किसी को आगे लेकर बढ़ते हैं, तो यकीनन कोई देखकर आपको जरूर कहेगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है, यकीनन इसका दिल भी बहुत अच्छा होगा। तो आपकी पर्सनैलिटी आपके दिल को शो करती है। तो जनाब, जिंदगी में रहते हुए मैं समझता हूँ कि हम अक्सर औकात बहुत से शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, हर मामले में, हर काम में, हर बात में। मैं समझता हूँ कि हमें एक आदत सी हो गई है शॉर्टकट को, मतलब बुलंदी पर अगर हमने जाना है तो हम बजाय इसके कि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़े, हम डायरेक्ट शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हुए उस मंजिल तक पहुंचते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि दर हकीकत बहुत टेम्परेरी टाइम की वो हमारी सक्सेस होती है, जो बहुत टेम्परेरी टाइम की हमारी कामयाबी होती है। सो आज हम सीखेंगे कि एक्चुअल में जो जिंदगी का चार्म है वो शॉर्टकट में नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप में है। क्योंकि हमें पता है ना, इजी कम इजी गो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना आसानी से हम किसी चीज को हासिल कर लेंगे वो उतनी आसानी से चली भी जाएगी, और वो शायद रहेगी भी बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए। तो जनाब, सबसे पहले आज आगाज करते हैं एक बहुत अच्छे गिफ्ट से, जो कि आज एरिक बनाएंगे, और ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ताकि जब आप आगे कहीं गिफ्ट दें तो ज़रूर आज एरिक से सीखिएगा। एरिक ने जब हमें थीम बताई तो यकीन करें कि मैंने एरिक को बोला कि जब मुझे एरिक नेक्स्ट टाइम गिफ्ट देगा तो इसी तरह मुझे गिफ्ट दे। तो एरिक कुछ बताएंगे उसके बारे में। बिल्कुल, मैं एक नए तरीके से गिफ्ट को पेश करना सिखाऊंगा कि हम लोग ज़्यादातर करते हैं एक बॉक्स में, बॉक्स को रैप करते हैं, उसमें गिफ्ट रखा और दे दिया, लेकिन क्यों ना इसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो आप देखिएगा कि मैंने किस तरह इस काम को किया है, और ज़रूर आप भी बनाइएगा और इसी तरह एक दूसरे को गिफ्ट दिएगा। तो ज़रूर जनाब, बिना किसी इंतज़ार के चलते हैं एरिक के साथ। एरिक के साथ हमें ज्वाइन करेंगी मारिया। मारिया जो हमारी को होस्ट है वो हमें एरिक के साथ ज्वाइन करेंगे। सो मिलकर, इन दोनों के साथ मिलकर सीखते हैं कि कैसे एक अच्छे गिफ्ट को आगे देना चाहिए, और ज़रूर जब सीखेंगे आप तो ज़रूर एक दूसरे को दीजिएगा, और एरिक आप भी हमें ज़रूर गिफ्ट दीजिएगा। बिना किसी इंतज़ार के चलते हैं एरिक और मारिया के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मारिया इकबाल, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक सी चीज़ें हैं जो हाथ से बना सकते हैं, हम वो बनाना सिखाते हैं। तो हमेशा की तरह एरिक जो हमारे साथ मौजूद हैं वो भी आज भी, तो चलते हैं एरिक की तरफ। एरिक, क्या हाल हैं आपके।
मैं ठीक, आप कैसी हैं मारिया? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एरिक, मुझे यहाँ पे टेबल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, तो आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि आज आप क्या बनाने वाले हैं। आज मैं सिखाऊंगा कि किस तरह हम इस इंटरेस्टिंग गिफ्ट बॉक्स के अंदर किसी भी किस्म का बॉक्स हो उसमें एक इंटरेस्टिंग तरीके से किस तरह हम लोग अपना गिफ्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि हमारे सामने एक खूबसूरत सा चमक धमक वाला बॉक्स पड़ा हुआ है। आप नॉर्मली कोई सा भी बॉक्स लेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना बड़ा रखना चाहते हैं। घर में कोई भी बॉक्सेस होंगे ना, तो उनमें से हम यूज कर सकते हैं, लाइक शू बॉक्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। और शू बॉक्स में बेसिकली होता है कि वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, तो हमें इसमें हमें स्क्वायर चाहिए या क्या? हमें थोड़ा स्क्वायर और थोड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि हमें इसमें बलून पुट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सेट पे बलून्स पड़े हुए हैं। मुझे नजर आ रहे हैं काफी कलरफुल से बलून्स हैं। और एक, आप ये चीज क्या है, इसको आप बताएंगे ये क्या है, इसको आप कैसे यूज करेंगे? बेसिकली अगर आप किसी शॉप पे जाएं, नॉर्मली गिफ्ट शॉप्स पे होते हैं, इन्हें कहते हैं स्पार्कल्स। ओके, तो ये हम बलून के अंदर पुट करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक बॉक्स होगा, उसके अंदर एक बलून होगा, उस बलून में हम लोग अपना गिफ्ट और अपनी स्पार्कल डालेंगे। और होगा ये कि हम जिस बंदे को गिफ्ट देंगे वो अपना बॉक्स खोलेगा और देखेगा कि इसमें है क्या, बलून। एक मुझे चीज़ मतलब हमारा कोई गिफ्ट भी उतना सा ही होगा जो उसके बलून के अंदर इजीली वो हो जाएगा, पुट हो जाएगा। देखें, ज़रूरी नहीं कि हम लोग अपना गिफ्ट जो है वो बलून के अंदर पुट करें। हमें ये नीचे भी रख सकते हैं। हम अपने बॉक्स में पहले गिफ्ट रखेंगे, फिर उसके अंदर बलून रखेंगे, बलून के अंदर स्पार्कल। उसमें तो ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, तो फिर जब उसको ब्लो करेंगे तो है ना। हाँ बिल्कुल। तो मारिया, ये स्पार्कल्स हैं, ये हर शॉप पे मिल जाते हैं, और ये वाले स्पार्कल्स मैंने खुद बनाए। ओके, ये मैंने देखिए, ये कंप्यूटर शीट से इनको आप छोटा टाइनी पीसेस में काटें अपनी मर्जी से, छोटे बड़े। अच्छा, इसको अगर हम फारिग भी बैठे हुए तो इसको हम यूज कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर पेपर जो है कलरफुल, उसको लेके तो बस कट करते जाएं। इसको मेरे ख्याल से डिपेंड नहीं करता कि हम सीक्वेंस में ही काटें ना, बस आप देख सकते हैं इसमें कितने। तो नाज़रीन, आप अगर फारिग बैठे हुए तो इस काम को कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये सारे पीसेस मैंने अपने पुराने कंप्यूटर पेपर जो बचे हुए थे, जो यूज में नहीं थे, मैंने उनको यूज किया। तो मारिया चले हम बनाना सीखते हैं किस तरह। और ये जो टूथपिक है, इसको भी आप यूज करने वाले हैं इसमें? एक मिनट मारिया। ओके, अभी मैं कुछ भी नहीं बना रहा, आप सब मुझसे पूछे पहले, आप मुझे रोक देती हैं। ओके ओके, मैं ये आपसे पूछ रही थी, मुझे कलरफुल से बलून्स नजर आ रहे हैं, तो इनका क्या करना है? इनको तो ब्लो करेंगे आप, उसमें रख देंगे। और ये टूथपिक है, और ये क्या है, ये क्या चीज है? ये इंटरेस्टिंग चीज है और ये मेन पार्ट है हमारे पूरे गिफ्ट का। बेसिकली ये गिफ्ट नहीं करेंगे, हमें यूज करना टूथपिक। हम लोग अपने इसको यहाँ पेस्ट करेंगे अच्छे तरीके से, इसके ऊपर रिबन बांधेंगे। ओके, इसको यहाँ टेप के जरिए लगा देंगे, और फिर जो हमारा जिसको हम गिफ्ट करेंगे वो इस टूथपिक से बलून फाड़ेगा, और फिर वो देखेगा कि है क्या चीज़ एक्चुअली। विदाउट फर्दर डू हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका मुझे नहीं बताया। हाँ, मैं इसको बताने वाला था, हमें बेसिकली बलून के अंदर डालने हैं ये स्पार्कल्स, तो ज़रूरी है कि ये प्रॉपरली इसके अंदर जाए। तो अगर आप इस तरह इसको खोल के, क्योंकि इस तरह से ये तो काफी टाइम लेगा और ये इस तरह से जाएगा भी नहीं। जी, तो हमें थोड़ा काम ऐसा करना है कि जल्दी का काम हो और अच्छा काम हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कोई सा भी कलर बलून का लेके उसे थोड़ा स्ट्रेच करेंगे ताकि अच्छे से हम लोग ग्लो कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग इस, अच्छा ये जो चीज है ये एक मेडिसिन बोतल है। ओके, इसके अंदर गोलियां होती हैं, बेसिकली तमाम पिल्स जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें कैल्शियम पिल्स होती है। तो मैंने इस, क्योंकि इसकी शेप बहुत अच्छी थी, अगर हम इसे यहाँ से ब्लो कर सकें, क्योंकि तो हम अपने ऑडियंस को बता ही रहे हैं कि हम घर में किन चीजों को यूज कर सकते हैं जो यूजलेस हो जाती हैं। तो ये पुरानी बोतल को मैं नीचे से काट दिया, और दोनों साइड पे आप देख सकती हैं कि एयर पास हो सकती है नॉर्मली। तो हम लोग इसकी एक साइड पे हम लोग अपना बलून प्लेस करेंगे, के लिए जरूरी है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी वाले बलून। बिल्कुल मारिया, मैं अपने फ्रेंड्स को हमेशा सिखाता हूँ कि अगर आपसे एक बार काम नहीं हुआ तो आप डिसहार्ट नहीं होना। हाँ। बिल्कुल भी नहीं, आपने दोबारा उस काम को करना है, एंड यू हैव टू अचीव योर गोल। ओके, अब मारिया हम ये स्पार्कल्स खोलेंगे और इनको इस बोतल में, इस ट्यूब में डालेंगे। अब हमें करना ये है कि हमें इसको फुलाना है बलून को। हम लोग जिस जगह पर ये बलून प्लेस किया है हम लोग यहाँ टाइटली पकड़ेंगे और ऊपर से हवा ब्लो करेंगे। ओके मारिया, तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इन तमाम स्पार्कल्स को इस बलून में प्लेस किया। अब हम इसे केयरफुली उतारेंगे, तो हमें ज़रूर है कि किसी सेकंड बंदे की हेल्प चाहिए। तो मारिया, क्या आप प्लीज़ इसको यहाँ से उतार सकेंगी?
बिल्कुल अपना काम करते हुए ज़रूर अपने बड़े बहन भाइयों की, अपने पेरेंट्स की हेल्प लें। और मारिया जो ज़रूरी बात है कि आपका बॉक्स किस साइज़ का, जो मेन बात है, छोटा है तो आपने छोटा बलून रखना, स्पार्कल भी फिर उसी क्वांटिटी में डालने हैं। और आप देख सकते हैं इसमें भर गए क्योंकि ये थोड़ा बलून अच्छे ही साइज़ का है, तो आपने देखना है कि इसमें पूरा आ रहा है। दैट्स इट, ये सही से हमारा गिफ्ट प्लेस हो रहा है जो हमारा बलून है। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास घड़ी है ये मैं गिफ्ट करूँ अपने फ्रेंड को, और ये इस तरीके से करूँ। तो हम इस घड़ी को सबसे पहले तो हम लोग एक रिबन देंगे मारिया मुझे आप प्लीज येलो वाला। तो अब देखें, अब मैं इस घड़ी को पहले प्लेस करूंगा और इस घड़ी के बाद मैं इसके ही ऑडियंस को भी दिखा दें ताकि आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा बलून जो है बड़े साइज का है तो इसको कॉर्नर के साइड रखेंगे। इसमें सिर्फ नॉर्मली छोटे गिफ्ट आते हैं, ब्रेसलेट्स बैंगल्स और ये घड़ी और इस तरह के और छोटे गिफ्ट आ सकते हैं। तो आप इसे कॉर्नर में प्लेस करके देन अपना बलून इसमें प्लेस करेंगे और इसको थोड़ा हिलाएं, ठीक है, ताकि जिसके ना फैल जाए और अच्छे से जब ये जो देखने वाले हैं चिपक ना जाए, ताकि वो इजीली जब इसको वो इसको अपसाइड डाउन करेंगे, हम लोग प्लेस करेंगे अपसाइड डाउन। ये जो इसके नोट हमने लगाई वो नीचे की साइड होगी, ठीक है। अब जो है हमारा जिसका टॉप है टूथपिक जरूरी है जिसको यूज करना है, तो देख सकते हैं आप ये भी है, ये भी जी बिल्कुल। ये टूथपिक अपने नॉर्मल टूथपिक ली और उसके ऊपर एक रिबन टाई कर देनी अपनी मर्जी से किसी भी कलर का, और उसको खूबसूरती से हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यहाँ टेपिंग कर देंगे। अब कुछ इंटरेस्टिंग सा मैसेज लिखना है मुझे इस पे, छोटा सा एक वर्ड का, तो क्या होना चाहिए मारिया? बूम लिख दें क्योंकि फटेगा। बिल्कुल बूम, बी डब्ल्यू एम बूम। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, बूम लिखा है ऊपर, हमारे पास टूथपिक है जिससे फाड़ेंगे। तो मारिया इट्स योर टास्क, अब आप इसे खोलेंगे, समझे मेरे फ्रेंड आप जिसको मैं गिफ्ट करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड, लेट्स सपोज। ओके, तो हमने इसे कम्प्लीटली एक गिफ्ट बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसे बंद करके इसके ऊपर रिबन लगाएंगे। हम टॉप से लेंगे, ठीक है, और इसको अपसाइड डाउन मूव कर देंगे अपने रिबन को यहाँ लाकर, इनको इनकी ये साइड जो है अब हम यू घुमा देंगे वेरी नाइसली। तो अब इसके डाउन साइड अब ऊपर हम इसकी नोट लगा देंगे बो बना देंगे बिल्कुल। तो देन हमारा ये गिफ्ट बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमारा गिफ्ट भी है, हमारा इंटरेस्टिंग सा बूम बलून भी है। ओके सो मारिया प्लीज, इट्स माय टास्क। ओके बूम, या बूम, वेरी नाइस। तो यही होगा जो हमारे एक्सप्रेशन मिलेंगे, एकदम से बलून फटेगा, हमारा गिफ्ट अंदर होगा। थैंक यू एरिक। और तो आप देखा आपने हमारे स्पार्कल्स बाहर आए, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है, पार्टी पॉपर टाइप का, कि हमारा बलून फटेगा, हमारे स्पार्कल्स बाहर और हम अपना गिफ्ट उठा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एरिक ने हमें बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट बनाना सिखाया है, मुझे और एरिक को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट सेगमेंट में आपके लिए हम आपके लिए बहुत ही यूनिक सी और इंटरेस्टिंग चीज़ें और लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और एरिक को इजाज़त दीजिए, गुड बाय। वेलकम बैक ऑडियंस, एंड एरिक दैट वाज रियली गुड, बिकॉज वो मुझे लाइक वो तरीका जो आपने प्रेजेंट किया हम लोगों को बहुत ही यूनिक था, एंड लाइक आई थिंक कि अब मैं किसी को अगर प्रेजेंट करूंगी तो मैं ये तरीका आपकी हेल्प से जरूर बिल्कुल बहुत ज़रूरी है जनाब। ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए हम सबको खुशियों को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, और मैं समझता हूँ जैसा एरिक ने तरीका बताया गिफ्ट पैक करने का, बहुत ही यूनिक तरीका था एरिक। मैं समझता हूँ कि मतलब गिफ्ट तो आप दे रहे हैं लेकिन उसकी जो पैकिंग है वो भी एक अपनी ही खुशी दे रही है, आगे एक्साइटमेंट को बढ़ा रही है, एक्साइटमेंट को बढ़ा रही है। तो ज़रूर जनाब, जब आप किसी को नेक्स्ट गिफ्ट दें तो एरिक के इस थीम
गेम को याद रखिएगा। और एरिक, जब आप किसी को नैप गिफ्ट दें, स्पेशली हमें हम सब में से, तो ज़रूर इसी तरह की थीम लेकर चलिएगा। सो बात हम कर रहे हैं शॉर्टकट पे। बहुत से लोग, इनफैक्ट यूथ होते हुए बहुत से, मैं समझता हूँ कि हमारी यूथ बहुत से ज़िंदगी में ऐसे फैसलों को बिल्कुल शॉर्टकट कर देते हैं, जो मैं समझता हूँ कि बहुत स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, एक ऐसा मैं समझता हूँ इंटरव्यू हम देखेंगे, जो हमें डिटेल में बताएंगे कि ज़िंदगी का जो चाम है वो शॉर्टकट में नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए तो बहुत अच्छा है। मैरिन बताएंगी कि आज कौन सी स्टोरी है हमारे पास। आज हमारे पास स्टोरी एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी की, his name is Joshua Keith Benjamin, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है ऑगस्टिन। एंड उनसे इंटरव्यू करने से पहले आई हैड अ वेरी प्रोलॉन्ग डिस्कशन, और ऑगस्टिन आई वुड से कि उनकी लाइफ ही एक मिरेकल है, और जिस तरह से स्लोली ग्रेजुअली उनकी लाइफ में सब कुछ हुआ, और उनकी पर्सिस्टेंस, उनका हार्ड वर्क, उनका पेशेंस, दैट इज सो मोटिवेटिंग। अमेजिंग, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अमेजिंग। एंड आई वुड रादर सजेस्ट माय ऑडियंस कि उनके इंटरव्यू को बहुत गौर से सुने, बिकॉज़ इट्स रियली स्पेशल फॉर मी। बिल्कुल जनाब, कुछ मैं समझता हूँ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत मीनिंगफुल हमारी जिंदगी में होती है, स्पेशली जो कुछ सिखाने के लिए हो। तो जरूर, जैसा मैरियन ने कहा है, जरूर इस इंटरव्यू को बहुत डिटेल से सुनिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारी जिंदगी ही को रिप्रेजेंट करेगा कि हमें भी आगे किस तरह से रियल लाइफ हीरोज़ स्ट्रगल होती है। बिल्कुल, स्टोरी बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, कोई ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरी बहुत ज़रूरी है। तो मैरियन, बिना किसी इंतज़ार के आप लेके जा रही हैं हमें। ओके, तो चलते हैं एक रियल लाइफ हीरो की रियल लाइफ स्ट्रगल की स्टोरी सुनने। सो हियर वी गो। हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, मैं हूँ मैरियन सैमसन एंड आई एम बैक विद माय सेगमेंट कुछ करे कुछ बने, आपके फेवरेट शो पूरे दिल से में। As you know that Coke Studio is on the cards, or when we are talking about Coke Studio, तो the artists, the musicians which are, you know, contributing in that, हम उन्हें कभी भी neglect नहीं कर सकते, हम कभी ignore नहीं कर सकते। और आज हम ऐसी ही एक exciting personality को आप लोगों तक लेकर आए हैं, जिनका कहना है कि creating music is what gives me joy, no matter what it takes to get it. And आपने guess कर ही लिया होगा कि who I am talking about, the one who was inspired by his church choir as when he was a toddler, the one who is right now the choir director of St. Andrews, the one who has worked with Ahmed Jahanzeb, Ali Zafar, and you know, big names of the industry. You know, without any further delay, I present to you Joshua Keith Benjamin. So here you go, guys. So Joshua, how are you? I'm good. How's you, Mary? I am absolutely fine. So Joshua, aapki, you know, you don't require any sort of introduction. मैं आपका क्या introduction दूँ? You are such a big name. आपका काम ही आपकी पहचान है. And you know what audience, जिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है जोशुआ के बारे में, you know, अगर आप ज़्यादा music में involved नहीं हैं in the music industry, तो उनको आज आप इनका interview सुनने के बाद आप सिर्फ एक बात कहेंगे, he came, he saw and he conquered. जब वो Coke Studio पे भी आए तो you know it was like एक मैं कहूँगी तहलका मच गया था, बिकॉज ही इज़ सच अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। तो जोशुआ, इट्स नाउ ओवर टू यू, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हालांकि थोड़ा सा बताना इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं। तो जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, योर जर्नी, योर यू नो द लिटिल जॉयज दैट यू हैव हैड, एवरी थिंग लाइक वट एवर इज़ इन योर हार्ट, जस्ट गिव गो। इस जर्नी को अगर छोटे से वर्ड में हम कहें या छोटे से टाइम में कहें तो डिस्क्राइब करना या उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत एंड शुरू से जब छोटा ही था तब से घर में एक बड़ा माहौल था चर्चेस का और क्वायर्स, क्योंकि मेरे डैड खुद भी क्वायर डायरेक्टर थे, तो हमारे घर में जो है वो तो लेट सैमुअल बेंजामिन, तो उनके घर में भी हमारे जो था वो यही माहौल था। मेरी मम्मी मामा जो थी वो पॉलिन बेंजामिन, वो संडे स्कूल की टीचर थी और उनके पास बच्चे पढ़ने आते थे संडे स्कूल के, और पापा क्वायर स्कूल लीड, तो वहीं से एक जर्नी बेसिकली मेरी भी शुरू हुई। जब घर में आपको ऐसा माहौल मिला कि म्यूज़िक ही घर में से आपका शुरू हुआ, तो वहीं से चर्चेस के माहौल शुरू हुए, फिर चर्चेस जाना हम लोग शुरू हुए, जब बचपन से चर्च जा रहे थे, गीत गा रहे थे। देन एक दिन मैं ऐसी कीबोर्ड बजा रहा था चर्च पर, ऐसे बैठा था, तो एक जो वहाँ के पास्टर इंचार्ज थे उन्होंने मेरे पापा को कहा कि जो तुम्हारा बेटा है ये देखना है बहुत अच्छा बजाएगा एक दिन आके। तो वो पापा को मेरे बात बड़ी पसंद आई कि उन्होंने इसको ब्लेस किया, तो उन्होंने कहा आप इस पर ब्लेस करके दुआ कर दो, उन्होंने दुआ की मेरी। तो वहाँ से एक जर्नी मेरी जो है वो चीज़ें स्टार्ट हो गई, चढ़ना चलना में स्टार्ट हो गया चीज़ों के अंदर।
एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत सारी स्ट्रगल्स थी बीच में, बट खुदावंद का, खुदावंद जब आपके साथ हो तो आप किसी से कमी नहीं होती और वो आपके रास्ते खुद ही आसान करता है। और मैं तो इस बात की बड़ी ऐलानिया गवाही देता हूँ कि जो कहते हैं कि खुदा अपने महबूब को नींद में दे देता है, तो मुझे तो नींद में मिला है, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा वो नींद में ही। मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा तो ये ख्वाब है मेरे लिए। बहुत ईजी रहा मेरे लिए हर चीज़ सफ़र, हालाँकि बहुत सारी मुश्किल को मैंने फ़ेस किया और बहुत सारी चीज़ों को मैं फ़ेस करता गया उसके बीच में। तो वहाँ से बेसिकली मेन जो हमारा, जो मेरा ज़िंदगी का लाइफ का सफ़र था वो शुरू हुआ था। एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग, तो मैं होटल्स में प्ले किया करता था। मैं दिन में 4 जॉब्स करता था, सुबह स्कूल जाता था, फिर दोपहर को एक होटल में प्ले करता था आफ्टर स्कूल, फिर शाम को मैं हाईटी प्ले करता था, फिर रात को 8 to 11 प्ले करता था, फिर 11 to 11:30 to 1:30 प्ले किया करता था डिफरेंट होटल्स में, 5-star होटल्स के अंदर। जोशुआ कभी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं स्ट्राइक किया कि यार उस टाइम पे भी म्यूजिशियंस होंगे जो फेमस होंगे, कभी ये नहीं सोचा अपने आप से कि यार दे आर सो फेमस और मैं म्यूजिक कर रहा हूँ और मैं कभी किसी होटल में परफॉर्म कर रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, कभी लगा नहीं कि आई नीड टू बी देयर, और कभी इसने आपको नेगेटिवली अफेक्ट किया हो इस ख्वाहिश ने? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मुझे हाँ ये ज़रूर लगा कि यार मुझे अभी, मैं ज़रूर देखता था, मैं 2006 में, मैं जिनके साथ मैं प्ले करता था 2006 में 5 में जिनके साथ होटल में प्ले करता था, वो बड़े ए क्लास बैंड के उस वक्त सब मेंबर्स थे। वो पार्ट टाइम मेरे साथ किया करते थे, बिकॉज पार्ट टाइम सबको था, उन्होंने कहा जब हमारे शोज नहीं होते तो हम पार्ट टाइम तुम्हारे साथ कर लेते हैं। तो उनको देखकर मैं बड़ा इंस्पायर हुआ करता था, लेकिन मैं जो सीखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि मुझे हमेशा यही था कि यार आई एम नथिंग, मुझे अभी और सीखने की ज़रूरत है। और जिसको मैं कह रहा था कि यार मैं अभी और सीखूंगा, शायद मैं उस लेवल पे अभी नहीं हूँ, कि मैं जेलसी से शुरू से ही नहीं थी मेरे अंदर और अभी भी नहीं है मैं किसी से, कोई मेरी ईगो, दैट इज रियली एविडेंट बिकॉज आई हैव बीन टॉकिंग टू यू एंड आई नो दैट आपसे बात करके पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ टेंपरमेंट यू हैव गॉट। लाइक आप म्यूजिक के अंदर आप रहे कि आप किसी से जेलसी नहीं कर सकते, मतलब आप क्या करेंगे, इट्स अ डिवाइन आर्ट ना, तो वो आपका खुद ही प्योरीफाई हो जाता है सब कुछ। तो जोशुआ आप मुझे बताएं कि हाउ डिड यू एंड अप इन कमर्शियल इंडस्ट्री? आप चर्च का म्यूजिक कर रहे थे, आप स्कूल्स में टीच कर रहे थे एज म्यूजिक टीचर, तो आप किस तरह से यू एंडेड अप इन कमर्शियल म्यूजिक इंडस्ट्री? वो पॉइंट ये था कि मैं सिटी स्कूल में जॉब, मुझे बड़ी अच्छी म्यूजिक टीचर की मिली, मैं बहुत सेट था, फिर मैंने एक कर दिया, देन सडनली मेरी सिटी स्कूल की जॉब खत्म हो गई। उसके बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई, मेरी मम्मी को एक कैंसर डायग्नोज हुआ, लंग कैंसर, देन उनकी डेथ हो गई, देन आफ्टर 3 or 4 months मेरे डैड की भी डेथ हो गई। तो अब जब उनकी डेथ हो गई तो अब मुझे लगा जब मेरे पास कोई जॉब नहीं, और अब जब आप बेसिकली, आपको तब पता लगता है जब आपके माँ बाप आपके पास से चले जाते हैं, आपको तब उनकी कदर या उनकी फीलिंग महसूस होती है। तो उस वक्त वो स्टेज मेरे ऊपर आई जब वो चले गए, दुनिया से चले गए, तो मुझे पता लगा कि यार अब तो जोशुआ भाई अब अकेले हो गए, आपके पास कुछ करने को नहीं है और आपका कुछ प्लान ही नहीं है, आप तो इतने साल आपने होटल्स में ही बजा दिया, ये भी कर लिया, अब कुछ करने का टाइम है। देन उस वक्त एक मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, उनको मैं हमेशा भाइयों की तरह दर्जा देता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक क्रेडिट मैं उनको दूँ, नाइजल बॉबी, बहुत अच्छे वर्शिपर हैं, उनका एक एल्बम भी है। तो उन्होंने, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा यार एक टैलीम, एक बड़ा अच्छा बैंड है जिसको डिक्सन विल्सन, डिक्सन भाई और पादी एरिक सर्वर लीड करते हैं, तो हमें उस बैंड के अंदर एक बेस गिटारिस्ट की ज़रूरत है, मैं बेस गिटार भी जाता था, बेस गिटारिस्ट की ज़रूरत है। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ क्रूसर्स में भी बेस गिटार बजाया करता था, बहुत सारे क्रूसर्ट्स के अंदर। तो उन्होंने वहाँ मुझे सुना, तो उन्होंने कहा एक ज़रूरत है तो आप आएँ, तो आप आके वहाँ हमारा म्यूज़िक भी देखें और चीज़ें करें। तो मैं 2012 में फर्स्ट टाइम एक स्टूडियो के अंदर एंटर हुआ, और वो स्टूडियो था डिक्सन विल्सन स्टूडियो, डिक्सन भाई का। एंड जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने देखा फर्स्ट टाइम अपने इतने करियर में, मैं फर्स्ट टाइम देखा कि सारे क्रिश्चियंस हमारे भाई वहाँ बैठे हुए और वो सब बजा रहे हैं, और वो जबूरों का फेस्टिवल एक होने वाला है, और सब सुपर एक्साइटेड, जिसे हम कहते हैं सब सुपर एक्साइटेड हुए वहाँ पे, और मतलब बहुत क्रेजी, मैं लव में बयान नहीं अब कर सकता, कर पा रहा हूँ, तो वो सब बहुत एक्साइटेड हुए और सब खुश ना कि हमें वो एक जबूर फेस्टिवल करने जा रहे थे फर्स्ट टाइम, इतना बड़ा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म का। तो एंड मुझे बड़ा ऑनर है कि मैं उस 2012 में जो तैलीम का हुआ था उसमें उसका हिस्सा था। देन हमने वहाँ ज्वाइन किया, देन डिक्सन भाई के स्टूडियो, ऑब्वियसली जितने हमारे जो देखने वाले जो डिक्सन भाई को जानते हैं उनको पता है कि डिक्सन भाई का क्या नाम है या वो क्या काम करते हैं,
तो डिक्सन वेगा स्टूडियो में पाकिस्तान के टॉप क्लास आर्टिस्ट, टॉप क्लास वीओ आर्टिस्ट, एक्टर्स, ड्रामा एक्टर्स, मूवी डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स, उनके स्टूडियोज़ आते हैं मिक्सिंग के लिए। तो वहाँ मेरी डिक्सन भाई से मुलाकात हुई। डिक्सन भाई ने मुझे कहा कि यार तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा डिक्सन भाई आजकल तो कुछ नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा तुम आओ स्टूडियो में, मेरे पास काम सीखो। देन मैंने डिक्सन भाई से काम सीखना शुरू किया। वहाँ पे मुझे अहमद जहाँज़ेब मिले। अहमद जहाँज़ेब मिले तो अहमद भाई को बड़ा पसंद आया। अहमद भाई ने मुझे अपने साथ काम में ले लिया। इस तरह मैं फिर कमर्शियल लाइन में इन हुआ। देन वहाँ से अली जफर, सज्जाद भाई, ये बेसिकली आपकी जर्नी है फ्रॉम डिक्सन स्टूडियो टू कोक स्टूडियो। डिक्सन भाई टू कोक स्टूडियो, ये जर्नी के वहाँ से लिंक्स बनते रहे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ काम करते। कंटिन्यूस हार्ड वर्क वाज देयर, यू नो, पर्सिस्टेंट पेन एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोग इन सबको आप दिल को छू रहा है, बिकॉज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। आई नो मैंने आई हैव इंटरव्यूड सो मेनी गेस्ट, लेकिन आज जो जोशा जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो साफ पता चल रहा है कि इनके दिल से निकल रही हैं और हमारे दिल तक पहुँच रही हैं। तो वी आर इन्जॉइंग दिस, आई नो यू गाइज आर इन्जॉइंग दिस। सो वील बी हैविंग जोशा अगैन इन आर नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, खुदा हाफिज। सिंपली वाओ मैरियन, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। ये तो अच्छा हो गया आपने बता दिया कि नेक्स्ट एपिसोड में वो होंगे हमारे साथ, वरना मैंने समझता था कि जितनी वो बातें उनसे हम सुने उतना ही कम है कि कितनी स्ट्रगल के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और स्टिल आगे बढ़ रहे हैं। और अगस्टिन कितना इंस्पायरिंग था उनके बारे में सुन के। अक्सर हम चाहते हैं कि कोई हमें याद करे बाद में, मतलब हमारे जाने के बाद। अगर हम अभी देखें, हम कहते हैं लेजेंडरी पीपल, तो वो ये लेजेंडरी कहलाने के लिए ना हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। और हम देखते हैं उन्होंने कितनी स्ट्रगल्स की। आई मेट सो मेनी पीपल, और एरिक, मैं लिटरली बताऊं, मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल इंटरव्यू था वो जोशुआ का था, बिकॉज़ उनकी जो टेस्टिमनी है दैट इज रियली हार्ट टचिंग। खुदा ने किस तरह उनकी जिंदगी में इस तरह के मिरेकल्स किए और लोग चाहते हैं कि वो उनके लिए बजाएं। ये एक बड़ी अचीवमेंट है उनकी लाइफ में। उनके उन्होंने बहुत सारे क्राइसिस देखे उनके, और इतनी उनकी एज नहीं है जितनी उनकी अचीवमेंट है। व्हेन ही वाज टेलिंग मी हिज अचीवमेंट्स, मैं पेपर खत्म हो गया था, मैं लिखती जा रही मैंने कहा ये क्या क्या कितना काम किया है इसने। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है जनाब। ये उसी वक्त मैं समझता हूँ क्लियर होता है जब हमारी फाउंडेशन बहुत अच्छी हो, जब हमारा विजन बहुत क्लियर हो, जब मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का एक मकसद हमें पता हो कि हमने आगे चल के क्या करना है। बेशक बहुत सी होपलेस हमारी ज़िंदगी में नाउम्मीदियाँ बहुत आ जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नाउम्मीदी के बाद, हर नाउम्मीदी के बाद एक उम्मीद बाकी रहती है। सो बहुत ज़रूरी है जनाब, ज़रूर। मैरियन ने बता दिया कि नेक्स्ट एपिसोड में भी जोशुआ होंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड का आगाज़ ही हम इस इंटरव्यू से करेंगे। मुझे तो बहुत शिद्दत से मैरियन इंतजार रहेगा नेक्स्ट एपिसोड का। पर्सनली मुझे भी बहुत इंतजार रहेगा कि उनका दूसरा इंटरव्यू सुने, क्योंकि बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली। और मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन उनका, क्योंकि उनसे बहुत सीखने को मिलता है, उनकी बातें सुन के और भी अच्छा लगता है। बिल्कुल जनाब, जरूर आप फीडबैक दीजिएगा हमें इस एपिसोड का कि आपको कैसा ये एपिसोड लगा, स्पेशली एरिक का जो सरप्राइज गिफ्ट था वो कैसा लगा, जो इतनी अच्छी हमने इंस्पिरेशन स्टोरी सुनी। और मजीद अगले एपिसोड में फिर सुनेंगे, वो ज़रूर बताएगा कि आपको कैसी लगी। और यूं ही पूरे दिल से देखते रहें और पूरे दिल से को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि जब हम, जैसा कि हमेशा हम बताते हैं, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम सपोर्ट करते हैं तो दर हकीकत हम उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। सो नेक्स्ट वीक के लिए हमें इजाज़त दिए, मुझे, मैरियन को, ब्रेटनी को, एरिक को, हम सबको इजाजत दें। आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक आपके ही अपने शो जिसका नाम है पूरे दिल से।